प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है लगे? लिखा है कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है, एक लड़का है जी, छोटा सा बालक जो भी है, वो कह रहा है कि उसके पास इस प्रकार का एक पासा है। तो पासा बोल दिया तो इसका मतलब कि मैं इसका छठ तो फलक रहेगा जी लड़के, तो छठ रहेगा। एक ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, फिर ए लिखा है और फिर ए लिखा है। अब बोला है कि इस पासे को एक बार रोल किया जाता है, इसकी परीक्षा क्या होगी? तो इसकी परीक्षा मतलब बोला ए को प्राप्त होने की परीक्षा क्या होगी? इसको लगाने जाओगे तो यहाँ लिखोगे कुल परिणाम कितना है इसका, कुल परिणाम लिख लो, भागांक लिख लो, तो कुल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कितना हो गया, 6। ए अक्षरों की संख्या कितनी है, एक अक्षरों की संख्या जो आया है वो कितना हो गया, दो, दो हो गया। तो अब यहाँ से जब हल करने जाओगे तो लिखोगे ए प्राप्त होने की परीक्षा पूछ रहा है, तो परीक्षा ए की जब बताने जा रहे हो तो यहाँ लिखोगे क्या चीज, संभावित, क्या लिखोगे, परिणाम लिखोगे, यही लिखोगे, बटा में लिखोगे क्या चीज, कुल परिणाम लिखोगे, ठीक, परिमाण, ठीक। तो संभावित परिणाम, तो संभावित कितना है, 2 में कोई एक आ सकता है, तो 2 हो जाएगा, कुल कितना है, 6, तो कट जाएगा, तो PA = हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। आंसर चेक कर लीजिए। दिया है ना, उसी तरह इसका दूसरा भाग, ये था आपका पहला, इसी तरह इसका दूसरा भाग बोला है वो डी प्राप्त हो, तो डी प्राप्त हो तो पहले यहाँ कुल परिणाम हम दिखाएंगे कि कुल परिणाम जो हमारे पास है वो टोटल कितना है भैया, 6 है, और डी अक्षरों की संख्या की बात कर रहा है, डी अक्षरों की संख्या, तो ये बराबर कितना हो गया है, एक, तो पी लिखेंगे यहाँ, डी यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या चीज, संभावित, हाँ संभावित परिणाम लिख देंगे, परिणाम, और बटा में क्या हो जाएगा, कुल परिणाम। अब यहाँ से संभावित कितना है, एक, बटा में 6, तो ये आपको क्या हो गया आंसर, ठीक है, कर लीजिए। यहाँ देखो अगला ये प्रश्न बोल रहा है कि एक आयत दिया हुआ लड़के, ये ध्यान देना, ये आयत दे दिया है और इसकी लंबाई 3 मीटर का है, इसकी चौड़ाई 2 मीटर का है और इसके अंदर एक व्यास बना हुआ है और व्यास लिखा हुआ है 1 मीटर का। वो बोल रहा है लड़के इसकी परीक्षा क्या है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो इस टाइप के जब इसमें तुम गिराने वाले हो तो सबसे पहले आयत का यहाँ लिख लोगे, आयत, आयत में लड़के लंबाई कितना है इसका, लंबाई है 3 मीटर, चौड़ाई कितना है इसका, 2 मीटर, सीधी लंबाई है 2 मीटर, 3 2। अब यहाँ लिखोगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने जाओगे तो क्या होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई, तो 3 × 2 = 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार लड़के वृत्त में आ जाओ, वृत्त में तो व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना है 1 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 1/2 मीटर होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ से लिख दोगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई गुणते 1/2
दो का होल स्क्वायर, पाई गुण दे एक बटा चार, तो पाई बटा में चार, चार तो मीटर स्क्वायर। तो एक पासे को इसके अंदर पढ़ने की परीक्षा बता रहा है, तो यहाँ से पी पासे को वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर प्रायिकता जब निकालोगे यहाँ से तो तुम्हारे पास आ जाएगा संभावित ना जी, संभावित क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा, बटा में हो जाएगा कुल परिणाम हो जाएगा, यही ना लिखोगे। तो संभावित परिणाम का मतलब इस वृत्त में आ रहे हो तो इसका क्षेत्रफल कितना निकाले हो, तो पाई बटा में चार निकाले हो। कुल परिणाम का मतलब इसी में ना वृत्त स्थित है, ये हो जाएगा छ, ये हो जाएगा पाई, आइए हो जाएगा चार छके चौबीस, यही होगा आंसर। देखो तो मैच कराओगे, ठीक कर लीजिए। तो 20 देखो 21 में कह रहा है ना कि एक दुकानदार है लड़के और उसके पास पेन है, ध्यान दुकानदार के जो पास है लड़के, दुकानदार के पास कुल पेन, तो कुल पेन हो गया है 144 लड़के, आ खराब पेन उसमें लिखा है, खराब पेनों की संख्या 20 है। कह रहा है कि एक दुकानदार है 144 पेन रखा हुआ है जिसमें 20 पेन खराब हो गई है, आप एक पेन खरीदने जाते हो, तो भाई जाहिर सी बात है कि तुम खराब पेन तो खरीदोगे नहीं, जो खराब होगा उसे आप हटा दोगे ना, तो यहां से तुम लिख दोगे अच्छे पेनों की संख्या, तो ये हो जाएगा 144 माइनस 20 लड़के कितना हो जाएगा 124। आप 124 में से ही किसी एक को खरीदेंगे, अरे समझ में ना, तो उसने परीक्षा पूछा है कि आप वह पेन खरीदेंगे, पहला इसमें बोला है कि आप वह पेन खरीदेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, खरीदेंगे, ठीक ना। तो खरीदेंगे का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छी पेन ही खरीदेंगे, अच्छी पेन को ही तो खरीदोगे, इसके लिए तुम लिखोगे कि भैया ऐसा है कि तुम लिखो संभावित परिणाम लिखो इसका, और बटा में कितना हो जाएगा कुल परिणाम लिखो। तो यहाँ से संभावित परिणाम के मतलब अच्छी पेनों की संख्या कितनी है, 144 बटा में 144, क्योंकि टोटल तो 144 ही है। अब इसको कट कराओगे तो किससे कट जाएगा, चार से कटा लो, चार तीन बारह हो जाएगा, चार एक चार हो जाएगा, ये चार तीन बारह, चार छः के चौबीस, 31 बटा में 36, देखो तो दिया है, यही आपका आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है कि आप नहीं खरीदेंगे, तो इसका मतलब कि यहाँ हम जो लिखेंगे वो खराब पेन की बात कर रहा है, तो खराब पेन कितना है लड़के 120, कुल पेन कितना है 144 है, तो यहाँ से पी हो जाएगा हम नहीं खरीदेंगे खराब पेन को, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कुल परिणाम लिख दोगे, संभावित परिणाम लिख दोगे, बटा में लिख दोगे कुल परिणाम लिख दोगे, ये हो जाएगा 20 बटा में, इसको कट करा दोगे तो 5 बटा में हो जाएगा 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कर लीजिए, दो पासे की बात आ रहा है, ध्यान देना, कोगो पासा दो, ध्यान देना लड़के,
एक पासा इधर का है और एक पासा नीचे की तरह बना देना है। ठीक है ना? अब इन दोनों को रोल करना है तो तुम्हें बताना था ना इसको बनाने का तरीका। देखो कैसे बनाया जाएगा। एक वाले को पहले पासे को हम रोल करेंगे नहीं, इसको स्थिर रखेंगे। दूसरे वाले क्या करेंगे? रोल करेंगे। तो पहले वाले को रोल कर दिए तो वन आ गया, दूसरे वाले में वन हो जाएगा। पहले वाले में वन, दूसरे का टू हो गया, फिर वन से हो जाएगा थ्री, फिर कितना हो जाएगा? वन से हो जाएगा फोर, फिर कितना हो जाएगा? वन से फाइव, फिर हो जाएगा वन से सिक्स। याद है ना ये? फिर दूसरे में आ जाओ, ये पहला हो गया, दूसरे में आ जाओ, दूसरे में ये आ जाएगा मान लो टू हो गया दूसरे में। पहले वाले को दो कर लो, दो से एक, दो से दो, दो से तीन, दो से चार, दो से पाँच, दो से छ। ये तीसरे तीन से एक कर लो, तीन से दो कर लो, तीन से तीन कर लो, तीन से चार कर लो, तीन से पाँच हो जाएगा, तीन से छ। फिर ये कर लो, चार से एक कर लो, चार से दो कर लो, चार से तीन कर लो, चार से चार कर लो, चार से पाँच कर लो, चार से छ कर लो। फिर पाँच से आ जाएगा तो पाँच कामा एक हो जाएगा, पाँच कामा दो वही लिखोगे, पाँच कामा तीन हो जाएगा, पाँच कामा चार हो जाएगा, पाँच कामा पाँच हो जाएगा और पाँच कामा छः हो जाएगा। ठीक। और अंत में छ से आ जाओ, छः कामा एक हो जाएगा, छः कामा दो हो जाएगा, छः कामा तीन हो जाएगा, छः कामा चार हो जाएगा, छः कामा पाँच हो जाएगा, छः कामा छः। यही तुम्हें रोल करके बनाना था। ये दो ठे पासे का बन गया लड़के, दो ठे पासे का बन गया तो कुल परिणाम जानते ही हो। कुल परिणाम यहाँ से निकालोगे लड़के, कुल जो परिणाम जो निकालोगे तो कितना हो जाएगा? छः ठे इधर, छः ठे उधर, छः गुणते छः, दो ठे पासा है तो छः का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? छत्तीस हो जाएगा। ये तो हो गया तुम्हारा छत्तीस। अच्छा आ जाइए इस पर, उसने खुद भरा भी है लेकिन हम लोग चलेंगे साथ ही में, आप पूरा भर देंगे। पहला उसने ऑप्शन बोला है ना लड़के कि योग योग इसका संख्या का मैंने दोनों पासा घुमा रहे हो तो इसका योग वन आना चाहिए, सॉरी वन नहीं टू आना चाहिए। आप ऐसे लगाओ टू आना चाहिए। ठीक है, तो टू आने के लिए किसको देखो? वन प्लस वन टू हो जाएगा, सबसे छोटा यही ना है। इसके बाद इसे कर दो वन प्लस तीन, तीन हो जाएगा। तो हमारे पास संख्या दो प्राप्त होने की संख्या, दो प्राप्त होने की संख्या, दो प्राप्त संख्या होने की संख्या देखो, एक कामा एक ही नहीं बाबू, एक कामा एक है। तो इसका मतलब संख्या कितना है तुम्हारे पास? वन। तो यहाँ से पी दो योग प्राप्त होने का परीक्षा निकालोगे तो ये हो जाएगा संभावित हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा? कुल हो जाएगा, कुल परिणाम हो जाएगा। यही ना लिखेंगे आप? तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक बटा में कितना हो जाएगा? छत्तीस हो जाएगा। वही भरा भी है। अब बोल रहा है कि अगले का योग तीन होना चाहिए, ध्यान देना समझना, एक समझ के हो जाएगा। अगले का योग कितना होना चाहिए? तीन। योग इस बार हमारा बाबू तीन होना चाहिए, दूसरे का प्रश्न है। तो योग तीन किसका किसका आ जाएगा? देखो दो का मैं एक कर दोगे तो तीन हो जाएगा ना, और किसको जोड़ने पर? एक का मैं दो है, एक का मैं दो है, और तो कोई नहीं ना होगा। तो इसकी संख्या कितना हो गया? दो हो गया। तो यहाँ से जब पी निकालोगे पी लड़के, और योग कितना आना चाहिए? योग हमारा तीन। इसके लिए संभावित परिणाम जो हम लिखेंगे, संभावित परिणाम ध्यान देना और बटा में हो जाएगा लड़के कितना? कुल परिणाम हो जाएगा, कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम कितना है? दो, और पूरा हो जाएगा छत्तीस, कट जाएगा तो एक बटा कितना हो गया? अठारह। मिला लीजिए, मिला लीजिए उसको।
तीसरा कह रहा है कि योगफल चार प्राप्त हो, योगफल चार प्राप्त हो। अच्छा चलो ठीक, अब तो वैसे ही कर लेना, तो भाई कटेगा तो मैंने कटा दिया और क्या। योगफल चार बोल रहा है इस बार, योगफल चार, तो चार कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा। तो पहले तो तुम इसको ले लो, योग चार होना चाहिए ना। चलो योग चार, तो कौन कौन आ रहा है, वहां से एक का मा तीन हो जाएगा, दो का मा दो हो जाएगा, तीन का मा एक हो जाएगा। समझ में आ रहा अंदर को, देख लो एक का मा जोड़ दोगे तो चार हो जाएगा, दो दो चार हो जाएगा, और तीन एक चार, ये संख्या कितना हो गया तीन। तो यहाँ से जब हल करोगे तो पी आयो कितना तुम्हें प्राप्त होना चाहिए लड़के, चार, तो संभावित परिणाम तो तीन, और कुल परिणाम कितना हो जाएगा 36। किताब में यही आंसर दिया है, कट करना चाहोगे तभी ठीक है, कटा देना। चौथा नंबर बोल रहा है पांच प्राप्त होना चाहिए लड़के, पांच। तो पांच प्राप्त होने के लिए योग कितना बोल रहा है, ये पांच, योग पांच, तो पांच तो तुम्हारा आ जाएगा कितना, एक का मा चार हो जाएगा, हाँ दो का मा तीन हो जाएगा, तीन का मा दो हो जाएगा, चार का मा एक हो जाएगा, और तो नहीं होगा ये संख्या, एक दो तीन चार, चार हो गया ना। इसके लिए पी या योग कितना प्राप्त होना है तुम्हारा, पांच, तो चार बटा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। आई बात समझ में लड़के, बोलो। अच्छा उसके बाद चार के बाद पांचवा नंबर पर आ जाओ, कह रहा है कितना योग प्राप्त करना है, छह ना, तो छह प्राप्त करना है इस बार, योग तुम्हारा छह आना चाहिए। तो छह के लिए पांच एक छह हो जाएगा कि नहीं, योग छह के लिए कितना हो जाएगा, एक कामा पांच हो गया है, फिर हाँ दो कामा चार हो जाएगा, तीन का मा तीन हो जाएगा, चार का मा दो हो जाएगा, पांच का मा एक हो जाएगा, और तो कुछ नहीं होगा। तो एक दो तीन चार पांच, पांच हो जाएगा। आगे समझ में ना, यहाँ से पी हो जाएगा, और योग जो निकालोगे योग तुम्हारा कितना हो रहा है, छ हो रहा है, ये हो जाएगा कुल संभावित परिणाम कितना, पांच, और बटा में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अच्छा अगला आ जाओ, अगला का मतलब छह नंबर, इसका योग कितना बोल रहा है लड़के, सात बोल रहा है। तो इसका योग सात बोल रहा है, तो इसका योग सात कब होगा, उसका योग होगा छ का मा एक का मा छ हो जाएगा, तभी तो सात होगा, दो का मा पांच सात हो जाएगा, फिर तीन का मा चार सात हो जाएगा, और फिर चार का मा यहाँ है तीन हो जाएगा, देखो फिर पांच का मा दो यहाँ लिखा है ना, और ऐसे पांच का मा दो, फिर छ का मा एक हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया। तो कुल कितनी संख्या रहा है, तो एक दो तीन चार पांच छह, तो आपको कितना जा रहा है, छ आ जा रहा है, ठीक। तो यहाँ से पी निकाल दोगे, और योग कितना है आपका, योग कितना हो गया है, सात लाना है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा छह बटा में 36, कट करना चाहोगे तब भी सही हो जाएगा। आई बात समझ में। तो एक चीज नोटिस किए हो, तुम नहीं लगाना चाहते तो डायरेक्ट लगा दोगे। देखो उसने दो जब पूछा, अंक दो पूछा, तो एक आ गया एक बटा में 36, जब अंक कितना पूछा है, दो पूछा है ना, दो वाला हो गया, यदि अंक अच्छा तीन पूछा था तो तीन पूछा था तो दो आ गया था, चार पूछा था तो तीन था, समझ में रहा है। उसी तरह पांच पूछा है तो चार बटा 36 हो गया है, और उसी तरह छह कितना पूछा है, छह, तो पांच बटा 36, सात पूछा है तो छह बटा 6, इसका मतलब कि दो पासा तुम्हें बोलेगा, और दोनों पासे को रोल करके योगफल बोलेगा, उससे एक कम करके बटा में 36 लिख देना, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में।